बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखें, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इलामा इकबाल ऑफ यूनिवर्सिटी ने वाज़े ऐलान कर दिए और तलबा को अलर्ट कर दिए, बाद में तलबा ना कहें कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को पास फेल कर दिया, मतलब कि पास होने वाले तलबा भी बाद में कहें कि हम फेल हो गए हैं। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स केयरफुली इस वीडियो को एंड तक समझें, देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ जो यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसेंटली बड़ी अपडेट्स आई हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात को आपने अच्छे से समझना है। अगर कोई बात, कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाया तो आप तमाम स्टूडेंट के कमेंट के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो मैसेज में आप तमाम स्टूडेंट को जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक किया कि कभी पैसे नहीं लगने वाले, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी और ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल ब्रेन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो चैनल ब्रेन एकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन मेरी बहनों, भाइयों, स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स अगेन थैंक्स। स्टूडेंट्स, नंबर वन पर एक अपडेट है, वो फेस टू के प्रोग्राम्स के लिए है और फेस वन के तलबा को भी मैं अलग से बताना चाहता हूँ। फेस टू और फेस थ्री के प्रोग्राम्स के लिए जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट है वो जो क्वाइज सिस्टम वाली आई है, यूनिवर्सिटी ने वर्कशॉप, मतलब कि पहले बच्चों के एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग से सिस्टम था यूनिवर्सिटी का, लेकिन अब क्वाइज सिस्टम यूनिवर्सिटी ने जो मुतारफ करवाया है, इसमें 20 मिनट आपको दिए जाते हैं और 20 नंबर आपको दिए जाते हैं, मतलब कि 24 हॉर्स के अंदर अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स ने, जिन तलबा की वर्कशॉप कंटिन्यू है, अब उन्होंने वो क्वाइज शीट जो है एमसीक्यू शीट उसको सॉल्व करना है विद इन 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट के अंदर अंदर। अब 24 घंटों के अंदर जैसे ही आप लॉगिन होते हैं अपने अकाउंट पर तो वहां पर ये आपको क्वाइज शीट मिल जाती है और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका टाइम उस वक्त का स्टार्ट होता है। तो आप एक दिन में कभी भी, मतलब कि 24 घंटों के अंदर कभी भी आप वहां पर लॉगिन होते हैं, वहां पर आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। बस दफा वहां में लाइट चली जाए या कोई इशू हो जाए तो दोबारा आप फिर दोबारा से लॉगिन होकर जितना आपके पास टाइम बाकी बचा हो वो टाइम वहां पे स्पेंड करके आप आगे का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो फेस वन के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट FA ICOM के स्टूडेंट और BA BCOM के जो स्टूडेंट हैं, इन तमाम तलबा को यूनिवर्सिटी ने वाजे एक मैसेज भी दिया है। अब इन तलबा को जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है, अब यूजर नेम आईडी वाला बना लिया गया है इन तलबा के लिए और इनके यूजर नेम और आईडी यूनिवर्सिटी ने इनको सेंड भी कर दिया है। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज और परेशान हो रहे हैं, जिन तलबा को यूजर नेम और आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं मिला वो मुझे फौरन से पहले कमेंट करें कि स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। और साथ साथ मैं बता दूं, क्वाइज पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ।